इतनी बारिश में कहाँ निकले हैं, कहाँ जाना है, ये सब तो पता नहीं है, पर निकले हैं किसी काम से और उसके बारे में थोड़ा बाद में पता चलेगा क्योंकि वो थोड़ा सीक्रेट है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग time here, we invite you to join our journey called Travel Life. You can do that simply by clicking the subscribe button and the bell icon so that you don't miss out on any of our future videos. And to keep in touch with us in real time, you can follow us on Facebook and Instagram. The handles are flashing right down here. Aaj ka vlog is journey ke bare mein nahi hai, kahan nikle hai, kyun nikle hai, wo sab chhod do, kyunki uske bare mein waise bhi main aaj batane wala nahi hai, kyunki wo thoda ek secret hai aur ye serious wala secret hai, kisi aur jaisa nahi hai. Pichle vlogs mein maine ek बात की थी, कुछ बताया था, वो प्रॉमिस मैं आज पूरा करने जा रहा हूँ। अगर आप पहले से काउंटिंग किलोमीटर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने पिछले दो अलग अलग ब्लॉग्स में दो लोगों को इंट्रोड्यूस किया था। वन वॉज प्रकाश सर एंड अदर वॉज गौरव। अगर आपने ये ब्लॉग्स देखे नहीं है तो जाके देख लो ब्लॉग्स, जस्ट डिग आउट इन द चैनल लिस्ट, आपको मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करो सो दैट इसके बाद के कोई ब्लॉग्स आप मिस ना करो। एंड नाउ प्रकाश सर से जब बात हुई थी तो मैंने कहा था कि इसके बारे में, प्रकाश सर के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में और बात करेंगे इन डिटेल, उनके साथ एक इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ सेशन करूंगा। और आज बोनस है क्योंकि प्रकाश सर भी अपने साथ है और गौरव भी अपने साथ है। सो आज हम इन दोनों से बहुत सी बातें करने वाले हैं, बहुत से सवाल पूछने वाले हैं, दोनों का राइडिंग एक्सपीरियंस, दोनों के अलग अलग प्लेसेस के बारे में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, बहुत मज़ा आएगा आज के ब्लॉग में भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक सर। हाय। सबको याद होगा ही, प्रकाश सर करजत से है और इनके बारे में आज मैं कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था, पिछले ब्लॉग में मैंने बात की थी सर के बारे में, आज सर बात करेंगे उनके खुद के एक्सपीरियंस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट योर सिंगापुर राइड सर। करजत से सिंगापुर बाइक पे इन 2003 2006, ओके, तो उस राइड के बारे में कुछ बताइए, आपको वो एक्सपीरियंस कैसा था? इट वॉज योर फर्स्ट इंटरनेशनल राइड? या। ओके, तो कितने दिन का राइड था एंड हाउ वॉज योर प्रिपरेशंस और क्या एक्सपीरियंस थे उस राइड में आपके? सिंगापुर राइड के लिए प्रिपरेशन तो बहुत किया था, नेट का यूज़ करके ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हुआ था, लेकिन बाद में दो जगह पे दो प्रॉब्लम अलग अलग फेस हुए जो नेट पे या केवी पे हमको नोटिस नहीं हुए। 2006 का गूगल और आज का गूगल फर्क है? 2006 में हम लोग वाया मोरे गए थे, मोरे वो लास्ट प्लेस इन इंडिया, इंडो म्यांमार बॉर्डर। या, तो हमें म्यांमार ने वीसा दिया था 21 डेज का, हमने उनको हमारा टूर प्लान, गाड़ी के पेपर्स, कौन जाने वाले, उसके फोटोग्राफ, एवरीथिंग डिटेल में दिया था, डेट दिए थे, अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें वीसा दिया 21 डेज का। ओके, और जब हम लोग बॉर्डर पे पहुंच गए तब हमको एकदम शॉक हो गया, वो बोले हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, मतलब आपकी गाड़ी का अलाउ नहीं करेंगे लेकिन आपको अलाउ करेंगे। इजी तो मैं बोला ऐसा क्यों हुआ? सब दिखा, एक तो वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत आ गया क्योंकि उनको ना इंग्लिश आती है ना उनकी भाषा आपको समझ में आती नहीं है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में वो बैरियर हो गई। तो बीच में एक मीडिएटर हमको मिला था नेपाली, तो उसको वो बराबर बात कर रहा था, तो लास्ट में हमको मालूम पड़ा कि नहीं तुमको एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। अच्छा, उसके लिए, लेकिन ये नेट पे कहीं भी नहीं था, उन्होंने वीसा भी दिया था तो उसका सवाल नहीं था। और जब हम लोग वहाँ पे रुक के थोड़े से बातचीत ज़्यादा हो गई थी उनके साथ में, तो हमने दिल्ली ऑफिस में फ़ोन किया, एम्बेसी ऑफिस में। ओके, कि आपने ऐसे ऐसे डेट को ये दो दिन के लिए दो लोगों को वीसा दिया था आपने और अभी हमको ये अलाउ विथ आवर व्हीकल अलाउ नहीं कर रहे। तो सरप्राइज हमको ऐसा उधर जवाब मिला कि हमने आपको गलती से वीज़ा दे दिया। ओह माय गॉड। और बस हमारे पास ऑप्शन ही कुछ नहीं था, तो हमारे जैसे और लोग बंदे लोग भी वहाँ पे रुके हुए थे जो मद्रास से आए थे बुलेट पे, उनका भी वही हाल था, वही 4-5 दिन से उधर ही पड़े थे। आगे क्या हुआ कुछ हुआ मालूम नहीं, लेकिन हमने एक डिसीजन लिया कि अगर अभी जाना है हमको थाईलैंड में तो एक ही ऑप्शन बचता है कि एयरलिफ्ट।
क्योंकि अगर बांग्लादेश से गए तो भी म्यांमार लगता ही है, तो ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास, एक तो बैक टू होम, नहीं तो एयरलिफ्ट करके थाईलैंड में, फिर वहाँ से कलकत्ता वापस हम लोग आ गए, मतलब ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर कलकत्ता आ गए। फिर कलकत्ता में हमने सब इंक्वायरी करके फिर वो गाड़ी एयरलिफ्ट किया, लेकिन उसका कॉस्ट हमको 70,000 पड़ा। 70,000 इन 2006 वाओ, या इंक्लूडिंग हमारा टिकट, जाने का टिकट, गाड़ी का लगेज वगैरह सब किया। फिर वहाँ से हमारा स्मूथली हो गया, बैंकॉक में हम लोग जो था एयरपोर्ट से गए थे, हमको कुछ भी प्रॉब्लम, बिना प्रॉब्लम के हमारी गाड़ी हमको हैंडओवर मिल गई। ओके, फिर वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया, और फिर वहाँ से थाईलैंड मलेशिया करते करते हम लोग सिंगापुर बॉर्डर पे आ गए। तो सिंगापुर में वो भी वहाँ पे एक नेट का ही प्रॉब्लम था, कि सिंगापुर में उन्होंने नेट पे ये क्लियर नहीं किया था कि आपको एडिशनल ऑटो पास लेना पड़ता है। ऑटो पास? यस। ओके, इसका मतलब है कि आपके गाड़ी, ध्यान में रखो भाई, कभी पता ही नहीं, आपकी गाड़ी अगर चलानी है सिंगापुर में, हाँ, तो उसका इंश्योरेंस निकालना पड़ता है फॉर वन वीक, इट वॉज 5,000 rupees 2006 में। ओके, और विदाउट ऑटो पास वो आपको अलाउड ही नहीं करते। ओके, हमने उसको इतना रिक्वेस्ट किया कि हम आपकी गाड़ी यहाँ पे रख जाते हैं, हम जाके आते हैं, नथिंग टू यू, गो बैक टू मलेशिया, आप कुछ भी करो हमको मालूम नहीं। और बोलते कहीं तो भगवान ऊपर रहता है, तो मेरा पार्टनर में हम दोनों का वीसा निकाला था, कि गलती से बोलो कैसे बोलो, मेरे को मल्टीपल एंट्री वीसा मिला था, गलती से बोलो कैसे बोलो, मेरे को मल्टीपल एंट्री वीसा मिला था, और मेरे पार्टनर को सिंगल एंट्री वीसा मिला था। सो दैट वॉज अ फ्लूक, तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर था। फिर उसको मैंने सिंगापुर में भेज दिया, फिर सिंगापुर आया, फिर सिंगापुर में जाके वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोटिव एसोसिएशन का ऑफिस है, वहाँ पे जाके 5,000 भरने के बाद विद इन 20 मिनट्स में हमको ऑटो पास मिल गया, विदाउट कुछ भी नहीं करने पड़ा। वो लेके फिर शाम को मैं मलेशिया में आया, और फिर भाई गाड़ी लिया, और फिर मलेशिया। तो ऐसे एक्सपीरियंस बहुत आए, और मतलब दो जगह पे वीज़ा गलत मिला, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब एक तो म्यांमार में शॉकिंग, मतलब कुछ कर नहीं पाते थे वहाँ पे, बोले आपको जाना तो आप जाओ, आप गाड़ी नहीं जाएगी। ओके, तो ऐसे थे, बाकी अदरवाइज बाकी कंट्री वाइज कहीं भी कोई इसके पुलिस का कुछ झमेला नहीं, कुछ नहीं, कुछ ये नहीं, आप रूल फॉलो करो। अच्छा, जो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा लोकल्स का वहाँ का माओइस्ट वगैरह नहीं, नहीं, कुछ इशू है, कुछ भी नहीं, नथिंग डूइंग, मतलब पुलिस को सपोर्ट है, अपना आर्मी बहुत है उधर, और बेशक आप जितना ड्राइव कर सकते हो, कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हमको उधर भी नहीं है। तो ये सर का पहला इंटरनेशनल राइड था, देन सेकेंड वॉज दिस यूरोप राइड, राइट, 2013 में साइकिल पे एंटायर यूरोप एक्सप्लोर किया था, सेवन कंट्रीज लास्ट टाइम उन्होंने बताया था, पेरिस टू रोम और रोम टू पेरिस, पेरिस टू रोम, मतलब जैसे जाते हैं ना मुंबई से लोनावाला, वैसे पेरिस टू रोम साइकिल पे करके आए थे, मुंबई से लोनावाला भी अपने से नहीं होगा। तो सर यूरोप का एक्सपीरियंस कैसा है? यूरोप वॉज फैंटास्टिक। एक तो मैंने साइकिलिंग चालू किया एट द एज ऑफ 54। ओके, मोटरसाइकिल, मतलब जिस टाइम पे सब लोग बंद करते हैं साइकिलिंग, और दैट वाज माय फर्स्ट साइकिल टूर, वो भी भारत के बाहर, और पेरिस टू रोम डिस्टेंस तो बहुत है, उसमें हमने 1400 किलोमीटर साइकिलिंग किया, 1400 एक महीने का टूर था हमारा, पेरिस से लेके हम लोग बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये सब करके हम लोग रोम में आ गए लास्ट में, फिर रोम से बैक। और एक तो साइकिल के लिए इतना रिस्पेक्ट है वहाँ पे, हाँ, अगर आप रोड क्रॉस करते हैं तो कार वाला रुक जाएगा और आपको बोलेगा यू गो फर्स्ट, और वहाँ पे सिटी में तो स्पेशल ट्रैक है साइकिल के लिए, उसको साइकिल सिंबल्स ले हैं, हाँ, अपने यहाँ भी है पुणे में, लेकिन उसको बाइक चलती है, और सब ये है, और वहाँ पे सिग्नल को भी साइकिल का सिंबल है। और उसके बाद में नेक्स्ट टूर मेरा साइकिल पे हो गया, वो शिमला से मनाली, लाहौल स्पीति बाइक, शिमला से मनाली वाया स्पीति, ओके, लास्ट ईयर मैंने बाइक पे किया, और बाइक पे ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी, 2015 में किया था मैंने, और हम लोग 5 आदमी थे, लेकिन वहाँ पे हमने एक बैकअप व्हीकल लिया था लगेज के लिए, क्योंकि वो इतना ऑफर और इतना रिमोट प्लेस है, अगर आपका साइकिल हो गया तो कुछ भी नहीं हेल्प मिलेगी, और यू हैव टू पैक, हाँ एक्चुअली, तो इसलिए हम लोग स्पीति वैली टू फैंटास्टिक व्यू है, आप कहीं से भी जाओ बाय एनी, मतलब ट्रांसपोर्ट से भी जाओ बेस्ट है।
अभी आपका मतलब ऐसा ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है कि कौन से एरियाज आपने किए नहीं है अभी तक जो आपको करने हैं? आउट ऑफ इंडिया में न्यूजीलैंड प्लेस है, न्यूजीलैंड ओके, और वो फंटास्टिक है साइकिल के लिए, आज अलग रूट है, और बोलते हैं कि वर्ल्ड में सबसे फाइन सिटी और नेचर वाइज टू गुड है, मतलब ऑकलैंड ही है और बहुत बढ़िया, तो वो एक जवाब है अपना। और US में जाना है, देखते अभी कैसा होता है क्या होता है। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो वही बात थी, ही स्टार्टेड साइकिलिंग एट द एज ऑफ 54, यू रिमेंबर दैट, और इट वाज फैंटास्टिक। और आज भी रोज में 15 से 20 किलो साइकिलिंग डेली मॉर्निंग करता हूँ। हाँ, करजत सिटी से मेरे घर आ जाते हैं सुबह साइकिलिंग करते करते। बेस्ट है, कभी हमारे साथ राइड करेंगे जब आप बोले तभी, आई एम ऑलवेज रेडी। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, एक छोटा सा, कि ये जो अभी मैंने बोला ना, इट्स अ क्लू, सोचते रहो, बताएंगे इसके बारे में, लेकिन जल्द ही कुछ एक कोलैबोरेशन, अनऑफिशियल कोलैबोरेशन होने वाला है, मज़ा आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहो, तभी पता चलेगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, और जब भी साथ में राइड करेंगे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मेरे को भी मज़ा आएगा, और बहुत जल्द ये राइड होगी। श्योर, उसके बारे में अभी मत बताए, माउथ से। ऐसे लोग साथ में हो तो बहुत मज़ा आता है, ऐसे लोगों के साथ राइड करने में, ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इन लोगों का एक्सपीरियंस इतना होता है ना, तो उससे सीखने बहुत चीज़ें मिलती है, एंड यू ऑलवेज स्टार्ट फीलिंग के भाई अपने को और बहुत कुछ करना है। इट्स नॉट लाइक यू हैव डन मेनी थिंग्स, इट्स नॉट लाइक हमने बहुत ट्रैवल कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत कुछ बाकी है। और ऐसी और एक हस्ती जिसने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत एक्सप्लोर किया है, नाउ वी विल टॉक टू हिम। गौरव, कैन यू कम हियर प्लीज? इसको तो पहचानते होंगे, सोंडाई ट्रैक के व्लॉग में इनका चेहरा आपको देखने मिलेगा, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाके देखो, ये ऐसे बीच बीच में आके अगर आप एखादा वीडियो देखोगे ना तो बहुत सी चीज़ें मिस होंगी, क्योंकि ये ऐसा बैक लिंकिंग चालू रहता है। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कौन सी प्लेसेस आज तक एक्सप्लोर की है इंडिया में, इंडिया के बाहर, whichever way, by car, by bike, it's all about which places you have explored, experiences कैसे रहे, ये सब हमें जानना है। So let's first get on to the list, आपने कितनी places explore की है? 2014 से मैं outing करना start किया हुआ, okay, तो 2014 में मैंने सबसे पहले लेह में, लेह गया था 2014 में, उसके बाद में 2015 में सिक्किम, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, ओके, उसके बाद में 2016 में वो मेरा इंटरनेशनल टूर था, थाईलैंड गया था कभी मैं, 2017 में वापस उत्तराखंड गया था, 2018 में अगस्त में स्पीति वैली गया था, और अभी 2019 से लेके आपने स्पीति, कोडाईकनाल, भूटान, फिर एक बार उत्तराखंड, पिछले एक साल में, सो हाउ वाज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज गुड, सबसे बेहतरीन प्लेस मेरी स्पीति वैली है, इतना भी घूम चुका हूँ, सब यही बोल रहे हैं, प्रकाश सर ने भी वही बोला, मैं भी वही बोल रहा हूँ, स्पीति वैली इज द बेस्ट प्लेस, बेस्ट प्लेस। एंड हाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस, मतलब पीपल वाइज, कल्चर वाइज, सपोर्टिवनेस वाइज, कहाँ पे आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ पे सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा? बुरा एक्सपीरियंस मुझे आज तक सिर्फ मिला वो बैंगलोर में, ओके, बिकॉज ऑफ वहाँ के लोग कोई सपोर्टिव नहीं है बैंगलोर के, बैंगलोर हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, वहाँ के लोग एक्चुअली सपोर्टिव नहीं है, उनको उनके ही भाषा में बात करो, लैंग्वेज मैटर्स, कैसा होता है कि अगर आप नहीं जा रहे हो वहाँ पे, जा रहे हो आप, उसके बाद में उनके बोर्ड अगर आपको नहीं मालूम पड़ते, तो जनरली कैसा होता है कि हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है उनका, लैंग्वेज समझ नहीं है, हम लोग यहाँ गुजरात जाते हैं, गुजरात में उनके भी लैंग्वेज में लिखा रहता है, बट इंग्लिश या हिंदी में भी लिखा रहता है, पर वचन में वो बात तो गवर्नमेंट की हो गई, वो बात तो अलग है, बट फिर भी वो लोग सपोर्ट भी नहीं करते, अगर उनको हिंदी में कोई सवाल पूछूंगा तो जवाब भी उसी उनके लैंग्वेज में देते हैं। मुझे थोड़ा सा केरला कर्नाटक में वो प्रॉब्लम हुआ था, बट आई वॉज इन कुर्ग, कुर्ग में हुआ था, बाद में फिर मुन्नार में हुआ था मुझे प्रॉब्लम, बट मेरे सबसे फैबुलस कुर्ग हो गया, कोडाईकनाल हो गया, ऊटी हो गई, सुपर्ब प्लेस।
और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ले लद्दाख हिमाचल। हम लोग एक लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताऊँ स्पीटी का, हम लोग 2018 में स्पीटी वैली गए थे, तभी मनाली से केलोंग के पहले स्पीटी वैली के लिए जाने के लिए ग्रामपुर से हम लोग शत्रु तक पहुँचे थे। शत्रु के आगे छोटा धारा आता है, छोटा धारा में हम लोग पहुँचे, तभी नंबर इतना पानी था। हाँ, छोटा धारा में लास्ट ईयर लैंडस्लाइड हुआ था, तभी हम लोग जा नहीं पाए, तो हम लोग रिटर्न शत्रु में आए। शत्रु में एक अंकल का ऐसे एक छोटा ढाबा था, ढाबे पे हम लोग कम से कम 17 लोग रह रहे थे उस रात को। मैं और मेरा दोस्त दोनों हम लोग किचन में सोए थे, क्योंकि एक फॉरेनर्स का ग्रुप आया था, वो 7 जन फॉरेनर्स थे, तो उनको बेड वगैरह हम लोग ने दिया, क्योंकि प्रेफर देम, क्योंकि वो लोग हमारे मेहमान हैं। एग्जैक्टली, और पूरे ग्लूम में जाके वो हमारी इमेज बनाते हैं। एग्जैक्टली, तो क्या है कि हम लोग ने उनको हमारा बेड दे दिया, तो हम लोग दोनों जन किचन में सोए थे। ओके, बट देन वो अंकल ने ढाबे वाले अंकल ने, शत्रु में एक ही ढाबा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ, हाँ, तो वो ढाबे पे अंकल ने हमारे पास से खाने के सिवाय किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लिया। मतलब बात पैसे की नहीं है, बात ह्यूमैनिटी की है और एक वो बात होती है कि दूसरों को हेल्प करनी है, वो मेंटालिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी 2014 का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं, मेरे दो दोस्त, हम लोग लेह पहली बार गए थे, तभी हमारी पांग के पहले 12 किलोमीटर हमारी बुलेट पंक्चर हो गई। बाद में हम लोग ने वॉल को सिंगम लगा दिया, और फिर बीच में रियर ब्रेक रॉड का स्प्रिंग भी टूट गया, ब्रेक फेल हो गया था, पंक्चर बाइक एंड ब्रेक फेल, ऐसी गाड़ी हम लोग 2014 में लेके गए थे। ये सब चीज़ें आरी वालों को सुना क्यों ऐसी बाइक बनाते हो यार? सॉरी, ये रॉयल एनफील्ड आपने पहना है नहीं, नहीं, नहीं यार। देखो, एक्चुअली कैसा है कि गाड़ी वो थोड़ी बनाते, गाड़ी मेंटेन रखना अपने हाथ में रहता है। हाँ, बोलो। गाड़ी कैसी भी हो जाए, गाड़ी को दोष देना बिल्कुल गलत होता है। गाड़ी हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं, या फिर जो भी है, ये तो जो हिली एरिया में आपको कोई भी गाड़ी लेके जाओ, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, बिकॉज इट्स अ मशीन। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारे साथ तो गाइड करेंगे अभी, चलो अभी चलते चलो समझ रहे हो, कुछ और क्लूज मिल रहे हैं आपको। ये राइड 1 2 3 इधर गए प्रकाश सर, तीनों लोग ये राइड पे साथ में हैं। अभी तो वापस घर जा रहे हैं, लेकिन तीनों राइड साथ में क्यों राइड कर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा, सोचते रहो, बहुत जल्दी इसके बारे में पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप साथ में राइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एंजॉय ट्रेकिंग तो एंजॉय किया ऑलरेडी, यू एंजॉयड इट? यस 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 100%। तो अभी राइड के बारे में कुछ नहीं बताने वाला मैं, सोचो भी मत कि मैं कुछ बताऊँगा। चलो, सी यू गाइज, बाय बाय। चलो, अभी घर पहुंचना है, बारिश भी आ रही है। सो गाइज, दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे मैं कुछ बता नहीं सकता, सीक्रेसी थोड़ी सी मेंटेन करनी पड़ती है, नहीं तो अगला वक्त ब्लॉग क्यों देखोगे आप आके। इसके अलावा भी हमारे पास लोग हैं यहाँ पे, और वो क्यों है ये भी आपको बाद में पता चलेगा। योगेश जी पहली बार दिख रहे हैं यहाँ पे, केतकी, इनसे तो मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, और ये कोई एलियन, कल ही वो चंद्रयान 2 गया था ना, उसमें से आया है, पहचानते हो इसको? सो गाइज, अभी जो सीक्रेट्स वगैरह रखे हैं वो सब आगे आगे क्लियर करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये एक्सपीरियंसेस ऐसे ऐसे स्टॉलवर्ट्स के साथ राइड करने का मौका हमें मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, और जब भी इनके साथ राइड करेंगे तब जो वीडियोस बनेंगे और उसमें जो मज़ा आएगा, जो कंटेंट बनेगा, जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे वो देखने लायक होगा, और वो सब आपको तभी मिलेगा जब हमारे साथ आप चलेंगे इस जर्नी पे। और उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब टू काउंटिंग किलोमीटर्स एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, द हैंडल्स आर फ्लैशिंग राइट डाउन हियर।
और ये वीडियो, ये एक्सपीरियंसेस और ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए ट्रैक, किसी नई राइड या किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।